बदायूं जिले के ग्राम गंगागढ़ की जनता अपने गांव की बनी हुई सड़कों से परेशान है, क्योंकि ये सड़कें कीचड़ के कारण दलदल बन रही हैं। इस गांव में हमारे सहयोगी विपिन कुमार पहुंचे तो गंगागढ़ की जनता ने बताया कि हम 3 वर्ष से इसी हालात में जी रहे हैं। ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत कई बार की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गाँव में कोई सफाई कर्मचारी भी 3 वर्षों से मौजूद नहीं है। कभी कभी ग्रामीण अपने हाथों से नालियों को साफ कर लेते हैं। आइए एक बार ग्रामीणों से हुई वार्ता देखते हैं। तक 24 न्यूज के साथ आप लोग देख रहे हैं, मैं जिस टाइम मौजूद हूँ ग्राम गंगागढ़ में और विकास खंड आशकपुर में, विपिन कुमार पत्रकार। यहाँ के ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। इन लोगों ने मेरे लिए बुलाया है कि भाई आप आना, मेरे गाँव में दलदल हो रहा है। मैं आइए इनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी शर्मा है। अच्छा, आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे गांव में 4-5 साल से हर तरफ दलदल है और ये मेन रास्ता है। अगर हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इसी रास्ते से ले जाते हैं, रिश्तेदार लोग आते हैं। तो फिर आपकी, अगर आपके गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो आपको उसकी लेने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? नहीं, यही रास्ता है केवल। अच्छा, हाँ, तो इस दलदल के बारे में आपने ग्राम प्रधान से बोला है? कई बार बोला, एक आध बार नहीं, कई बार। अच्छा, तो आपके गांव के प्रधान कौन है? हमारे गांव के प्रधान ज्योति हैं, लेकिन उनके पिता राम कुमार उनका कार्य करते हैं। उनका कई बार बोला, वो कल भी आए थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। 5 साल का तो यहाँ कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं है। अच्छा, फिर आपके गांव का ही प्रधान बनता है? नहीं, सीकरी का, ये तो मजरा है, छोटा सा सीकरी का। अच्छा, गाँव। हाँ, तो आपने बोला था उन्होंने कुछ ही सहयोग नहीं किया है? नहीं, ये क्या देते हैं, बस अब काम होगा, अब होगा, हो जाएगा, बस यही कहते रहते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा विनीत कुमार कालिया। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यही है साहब के, देखो यहाँ पर कोई मृत्यु हो जाती है, यही यहाँ रास्ता है, यहाँ से लोग आते जाते हैं और यहाँ पर गाड़ी होती है, होता जाते हैं, उन लोगों के रिश्तेदार भी आते हैं, वो सारी मृत्यु होती है। बोला भाई अभी नए 5 साल से ही। तो दोस्तों, आप जिस टाइम देख रहे थे दादाजी 24 न्यूज के साथ, मैं विपिन कुमार पत्रकार मौजूद था जिस टाइम गंगागढ़ में, और यहाँ के ग्रामीण बहुत ही परेशान है लेने के लिए। इनका कहना है कि अगर किसी व्यक्ति की इस गांव में मृत्यु हो जाती है तो उसके ले जाने के लिए यही रास्ता है और इस पर कीचड़ भरा हुआ है। बता रहे हैं कि अगर हमारे रिश्तेदार आते हैं, अगर रिश्तेदार इसमें गिर जाते हैं तो रिश्तेदार भी कहते हैं कि भाई आपके गाँव का प्रधान कैसा है। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं, मैं जिस टाइम मौजूद हूँ गंगागढ़ में, विपिन कुमार पत्रकार, और आइए यहाँ के ग्रामीणों से बात करते हैं। यहाँ के ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं पानी के तहत, और यहाँ पर सड़कें दलदल हो रही हैं, लोग निकलने के लिए परेशान हैं। जिस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि सड़क पर खड़े हुए हैं ग्रामीण और अपनी समस्या के लिए बोल रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। आइए बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा पावला। कौन से गाँव रहते हैं? गंगागढ़। क्या समस्या है आपकी? अच्छा, आपने एक ही बात प्रधान से कहा है? प्रधान जी ने क्या बोला? करा देंगे। आइए इनसे बात करते हैं। कौन से गाँव रहते हो? गंगागढ़। आपका किस प्रकार समस्या का समाधान हो रहा नहीं हो रहा है? आपने प्रधान जी से क्या बोला? अच्छा, फिर भाई अपना नाम बताइए। विनोद कुमार। आपकी क्या समस्या है? पानी की समस्या है, बारिश गिर रही है, पानी रोड भी लग रही है। आपने प्रधान को बोला? प्रधान कई बार बोला है। क्या बोले? कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप क्या सफाई कर्मचारी है? सफाई कर्मचारी नहीं है, जब गांव में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं है या नहीं। हेलो, है या नहीं है? बता दीजिए। मैं दादाजी न्यूज के साथ इस टाइम मौजूद हूँ ग्राम गंगागढ़ में, और यहाँ की जनता बहुत ही परेशान है, निकलने के लिए रहे हैं दलदल। यहाँ पर ग्रामीण निकलने के लिए बहुत ही परेशान है। देखो, सड़क पर उतर आए हैं अपनी समस्या के लिए, और यहाँ के ग्राम प्रधान भी नहीं सुन रहे हैं। इनका ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं है, और यही नहीं, चारों ओर ही दलदल है इनका। आपने देखा कि गंगागढ़ की जनता का कहना है कि गांव में इसी रास्ते से निकलना होता है, बच्चे बुजुर्ग सब इसी रास्ते से होकर जाते हैं, कभी कभार इसमें गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। यहां जांच हो और सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की जाए।